नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता पर। पत्रकारिता समाज का आईना होती है, पत्रकारिता होती है सेतु समाज और सरकार के बीच में। जिस तेज रफ्तार के साथ आज समाज प्रगति कर रहा है, वही पत्रकारिता पर चैलेंजेस, पत्रकारिता की भूमिका और पत्रकारिता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने कार्यक्रम का विषय लिया है, जनसंचार और पत्रकारिता में उभरती संभावनाएं। इस विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है आज एपिसोड में बेहद खास मेहमानों को। तो चलिए सबसे पहले आप कौन से तारुफ करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर राजीव मैम का। आप हैं कुलपति हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अनिल पुरोहित सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप हैं ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम बॉस्टन, फाउंडर जोधपुर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। और साथ में हमारे हैं श्री जगदीश हर्ष सर। बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं फाउंडर चेयरमैन मोबिलॉइड से। आप तीनों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल मैम आपसे हम करना चाहेंगे कि जनसंचार और पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो आप इसमें कितनी संभावनाएं, उभरती भी संभावनाएं देखती हैं? जी, एक बहुत विस्तृत संभावनाएं हैं। हमारा पूरा समाज जो है वो एक नई तरह की संचार और संगठन के दौर से गुजर रहा है। और इस दौर में जो संभावनाएं हैं, एक तरफ तो नागरिक बोध से संचालित पत्रकारिता है और दूसरी ओर सोशल मीडिया और राजनीतिक जो भी क्षेत्र हैं उसमें नए किस्म के उपयोग और ज़रूरत है। उसके सिवाय जो हमारी आधुनिक जर्नलिज्म है वो तकनीक के डेवलप होने के साथ साथ उसमें नई नई चीज़ें अस्तित्व में आई हैं। तो अब प्रिंटिंग ही सिर्फ पत्रकारिता नहीं है, टीवी है, उसके सिवाय प्रिंट मीडिया है, एडवर्टाइजिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपस में कनेक्ट करती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक नई चीज़ हमने चालू करी है, पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ का मास कम्युनिकेशन से क्या रिलेशनशिप हो सकता है, वो हमें अनिल जी के माध्यम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय को मिलेगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हो सकता है, एआई और दूसरी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसका क्या उपयोग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर और एक जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने खोला है। दूसरा, हमने एक नया प्रयोग किया है जेंडर सेंसिटाइजेशन का, वो मेरे विश्वविद्यालय के लिए नया है जो हम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के साथ कर रहे हैं। तो हाउ टू राइट स्टोरीज विद अ जेंडर सेंसिटिव यू नो पर्सपेक्टिव। सो अलग अलग तरीके की चैलेंजेस हैं और जैसे जैसे मीडिया अपना विस्तार कर रहा है हमारे लिए भी नई नई चीज़ों का उपयोग और विस्तार करने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर मैम, नई नई चीज़ों का उपयोग, विस्तार और समय के साथ तकनीक जब आती है तो बहुत सारी अपने अंदर चीज़ें समाहित करती हैं। टेक्नोलॉजी को लेके बढ़ते हैं श्री जगदीश जी के पास। सर आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी और जर्नलिज्म को क्यों एक साथ हमें देखना चाहिए? हाँ, ये एक नया दौर है जिसके अंदर अभी जर्नलिज्म के अंदर कंटेंट को क्रिएट करना, इकट्ठा करना और उसको प्रस्तुत करना जी। और हमारा जो आज का उपभोक्ता है वो एक नए दौर का उपभोक्ता है जो कि सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, और वो सम्मिलित होना चाहता है उस कंटेंट के क्रिएशन में भी, उसके उपभोग में भी जी। तो ये अभी तकनीक जहाँ पे भी हम किसी भी स्टेज पे हम आप पत्रकारिता के देखें तो तकनीक का अब अनिवार्यता है उसको पढ़ना। तो जो करंट पाठ्यक्रम है उसको जो नए दौर की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप्स हैं वैश्विक मानकों पे, उनके लिए इंडियन जर्नलिस्ट को तकनीक का जो है सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, तकनीक से सक्षम होना इंडियन जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, या ये कह लें समय की दरकार है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ें। वहीं टेक्नोलॉजी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पब्लिक हेल्थ का आता है। चलते हैं डॉक्टर अनिल पुरोहित सर के पास। सर आपसे जानना चाहेंगे पब्लिक हेल्थ आज के समय में क्यों जानना ज़रूरी है इसके बारे में और ये होता क्या है? पब्लिक हेल्थ एक ऐसी साइंस है जो मेडिकल से रिलेटेड है और नहीं भी है। एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है, पब्लिक हेल्थ में प्रिवेंशन डिजीज़ का पूरी कम्युनिटी सोसाइटी से करते हैं। और पब्लिक हेल्थ से यह है कि लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है, एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं सरकार के, हॉस्पिटल्स के, मरीजों के, और
डायबिटीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है, और हमने कोविड में देखा है हर घर में शाम को डिनर पे या लंच में बैठते थे तो पब्लिक हेल्थ स्टेटिस्टिक्स PCR ये सब पब्लिक हेल्थ है। इसलिए पब्लिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है और हर सरकार को पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना इस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है लाइफ का। इसलिए मेरी तो यही एक्चुअल में एनर्जी जो है इसी में जाती है पूरे वर्ल्ड वाइड कि जितनी स्कूल्स और पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट करूँ वो ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द ह्यूमन काइंड। बिल्कुल, मानवता के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी हमारी पूंजी भी यही है कि हमारी पब्लिक हेल्थ अच्छी रहे। पब्लिक हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा देश में जितनी सारी एस्पेक्ट्स हैं, ग्लोबल एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हैं, सारी हम उसको बेहतर तरीके से चुनौतियों का हम पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जब हम बात कर रहे हैं जनसंचार की, मास कम्युनिकेशन की, तो अपॉर्चुनिटीज़ हम देख रहे हैं। पब्लिक हेल्थ की बात हमने करी, तकनीक की बात करी, पर असल में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस क्षेत्र में है मैम, अगर इसमें डिग्री हासिल करी जाए, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो अगर हम सरकारी क्षेत्र को देखें तो PRO और APRO की जो जॉब्स हैं वो आपके एकदम सीधी दिमाग में आती हैं। बिल्कुल, पर उसके सिवाय बहुत सारे नवाचार भी हुए हैं। सोशल मीडिया आया है, वेब जर्नलिज्म हुई है, एडवर्टिजमेंट है, फिल्म मेकिंग है, वीडियोज बनाना है, एडिटिंग करना है, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पब्लिक हेल्थ का काम करना है, टेक्नोलॉजी का काम करना है। तो हमने तो एक नया कोर्स चालू किया है पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन का, जो कि मेरे लेफ्ट और राइट में बैठे हुए जो आपके गेस्ट्स हैं अनिल जी और जगदीश जी, इन्होंने बहुत हेल्प करी है उसमें। डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, तो आपको सिर्फ सरकार पर ही डिपेंड नहीं करना है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्षेत्रीय पत्रकारिता होनी बहुत आवश्यक है। गांव में बैठा हुआ आदमी अगर वर्ल्ड से ग्लोबली कनेक्ट हो सकता है, तो ये जो हमने ग्रामीण पत्रकारिता पे जो वर्कशॉप करी थी, ये इसी मद्देनज़र करी थी कि हम किस तरह हमारे रूट से कनेक्ट हों और उन लोगों को जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से किस तरह वो लाभान्वित हो सकें, किस तरह वो आगे बढ़ सकें। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, एडिटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो पे काम करना है, तो अपार अपार संभावनाएं हैं। और ये मैं तो आपको इस इतने समय के अंतराल में कुछ ही बता सकती हूँ, बट निश्चित रूप से सेल्फ एम्प्लॉयड जो आदमी होगा वो डेफिनेटली रेवेन्यू लाएगा और उससे हमारी नेशनल इनकम और नेशनल ग्रोथ होगी। और सोच जो है हमारा, जो एक सोच साझा करेगा एक समझदार ट्रेंड इंसान, तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इन सब जो हम नए उपक्रम और नई चीज़ें कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं अपार संभावनाओं के साथ जनसंचार का क्षेत्र है, जहाँ पर अनगिनत संभावनाएं हैं। ज़रूरत है तो आपके अंदर इंटरेस्ट की, जहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को समझ सकें और उस राह पर चल सकें जो आपकी अपनी हो। सर, बात टेक्नोलॉजी की हम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो स्टूडेंट्स को आप कौन सी टेक्नोलॉजी सिखाने वाले हैं और उनकी उपयोगिता, एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? सर, हाँ, पत्रकारिता एक बहुत गतिशील क्षेत्र है और अभी एक AI वगैरह आने के कारण एक डिसरप्शन आ गया है, जॉब डिसरप्शन है। बिल्कुल, तो जो हम कोशिश कर रहे हैं सुधीर जी के साथ मिलकर के, वो ये है कि करंट जो पाठ्यक्रम है उसके और जो जॉब्स की जो अपार संभावना है और डिजिटल पेमेंट्स के कारण जो एंटरप्रेन्योरशिप चालू होगी पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके बीच में एक ब्रिज स्थापित करेंगे टेक्नोलॉजी का। वो जो ब्रिज है वो ब्लॉकचेन, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR से रिलेटेड होगा, जिससे कि क्योंकि जो जॉब्स का जो रूप रेखा है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो जॉब्स इस कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि ये ड्रोन जर्नलिस्ट है, ये IoT का जर्नलिस्ट है, ये सेंसर का जर्नलिस्ट है, ये 360 डिग्री व्यू ऑफ ग्रामीण क्षेत्र का जर्नलिस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो जॉब्स का जो प्रोफाइल है जो चेंज होने वाला है और ऑलरेडी चेंज हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं तब, तो इसके बीच का जो ब्रिज हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम पढ़ाएंगे उनको, पहले तो हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करें, एक तो जो मौजूदा तकनीक है उसको वो यूज़ करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सुधीर जी से जो बात हुई कि एक आधार
शिला तय करें जिसमें कि उनको कंटिन्यूस लर्निंग का एक आधार दें ताकि वो तकनीक तो चेंज होगी उनके लाइफ टाइम में तो वो उसको अडॉप्ट करें एज अ जर्नलिस्ट ताकि वो हमेशा रेलेवेंट रह सके वैश्विक मानकों के ऊपर। बिल्कुल, जो समाज को जब नई तकनीक मिलेगी तो निश्चित रूप से समाज हमारा आगे बढ़ेगा। इसी समाज को पब्लिक हेल्थ की भी ज़रूरत है, तो पब्लिक हेल्थ में अगर हम सर से बात करें, स्टूडेंट्स को आप किस तरह से सिखाने वाले हैं, रिपोर्टिंग टेक्निक्स, स्किल्स, कौन कौन सी वो स्किल्स होंगी जो आप स्टूडेंट्स को सिखाएंगे सर? काफ़ी स्किल्स हैं जो पब्लिक हेल्थ की अप्लाइड साइंस है, तो जैसे कि जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जैसे एचआईवी और एड्स है। एचआईवी तो एक वायरस है, एड्स एक कंडीशन है, तो ये जो बहुत मामूली छोटी चीज़ें हैं उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि एचआईवी और एड्स में डिफ्रेंशिएशन आता ही नहीं है बहुत लोगों को और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जर्नलिस्ट उस चीज़ों में ट्रेन होंगे, मॉनिटरिंग है, एवेल्यूएशन है, डेटा साइंस है, हम स्टैटिस्टिक्स देते हैं, कोविड में हमने बहुत देखा इतनी स्टैटिस्टिक्स आ रही है तो उसको समझना, कैसा डेटा एनालाइज करना वो भी हम सिखाएंगे। एपिडेमियोलॉजी है, कम्युनिटी में जाएंगे, सीरो प्रेवलेंस है, ब्लड सैंपल्स लिए हैं तो कैसे उनको एनालाइज करते हैं लैब्स में, उनको वो सिखाएंगे, उनको ऑब्जर्वेशन देंगे एक्चुअल में ताकि उनको एक एक्चुअल में नॉलेज हो और आई थिंक सही इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी के पास जाए। और जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट आर आई थिंक द की टू द वर्ल्ड एक्चुअली, बिकॉज आपसे ही हम ज़्यादा सीखते हैं और पूरी कम्युनिटी जो लर्न कर सकती है जर्नलिस्ट से वो कहीं और से नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो यहाँ पर लर्निंग पर, लर्निंग आउटकम्स पे पूरा पूरा जोर होगा। उसके साथ सर आपसे जानना चाहेंगे नौकरी की संभावनाएं, जब आप इतना कुछ सिखा पाएंगे, जब आप इतनी ज्ञान जो है उनमें बांट चुकेंगे, जब आप इतनी एक्सपर्टीज सिखा चुकेंगे तो फिर उनकी नौकरी की संभावनाएं कितनी बढ़ेंगी? बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे हर अखबार में देखते हैं हेल्थ सेक्शन आता है, हेल्थ रिपोर्ट्स आती है, टीवी पे हेल्थ लाइंस आती है, तो आई थिंक ये जॉब्स काफ़ी क्रिएट होगी। और अभी हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह में ऐसी जॉब्स बहुत आ रही है जो पब्लिक हेल्थ जर्नलिज्म में चाहिए, और आई थिंक एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल जाएगा इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात कही कि हेल्थ का सेक्टर जो है हर फील्ड में, मीडिया का कोई भी क्षेत्र हो, हर फील्ड में हेल्थ अपना एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। वहीं हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी हर कदम पर हमारे साथ है। और टेक्नोलॉजी के सर के पास आते हैं जगदीश जी के पास, और आपसे जानना चाहेंगे जब हम इनका अमेलगमेशन की बात कर रहे हैं, जब जर्नलिज्म को और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? अब जैसे ज़िंदगी में होता है, हमारे को थोड़ा सा चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है जी। हम जैसे कल्पना करें कि ये वाला जो स्टूडियो है उसके अंदर नरोत्तम पुरी जी हमारे साथ बैठे हैं, प्रतिमा पुरी जी हमारे साथ बैठी हैं जो होलोग्राफी के जरिए, और कैसे हम दर्शकों की दिल की धड़कन को रियल टाइम बेसिस पे देख पा रहे हैं, उसके कारण हमारे कंटेंट को चेंज कर पा रहे हैं जी। तो ये जो एक फ्यूचर है वो बहुत नियर फ्यूचर है और ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वैश्विक स्तर पे और बहुत जगह पे यूज भी हो रही है। तो जो हमारे यहाँ पर जो रूरल या सेमी अर्बन में एरियाज में जो पढ़ रहे हैं जर्नलिस्ट, उनके लिए ये मैसेज है कि उनको ये चीज़ों पे फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट बनाना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो एक मेंटल जिसको आप बोल सकते हैं चैलेंज है जो कि हम सबको पूरा करना है, जिसका पार्ट हम सब कर रहे हैं डीसीओई जो खोला है। दूसरा ऑफकोर्स जो है वो इसके अंदर उपकरण जो है अभी भी महंगे हैं थोड़े, जैसे ड्रोन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, कैमराज भी जो आईपी एड्रेस को देते हैं वो थोड़े महंगे हैं, तो वो शायद मेक इन इंडिया का जो उपक्रम है अभी, और उससे शायद धीरे धीरे उनकी कॉस्ट गिरे और जर्नलिस्ट को उनके पाठ्यक्रम के दौरान वो उपकरण पे काम करने का मौका मिले, ये एक मेरे ख्याल से उनको वैश्विक स्तर पे कॉम्पिटेंट बनाएगा। बिल्कुल, तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा। हाँ। यहाँ पर एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा जिससे सारी तकनीक को हम सीख सकेंगे। बहुत खूबसूरत बात कही सर। चैलेंजेस को लेकर हम आपके पास भी आते हैं क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक ऐसा अपकमिंग एस्पेक्ट है, हम कह सकते हैं डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है, जहाँ पर जर्नलिज्म एक बहुत संभावनाएं, विस्तार और बहुत सारी उम्मीदें लेके आ रहा है कि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर ये जो उम्मीदें हैं, क्या हम उस पर पूरी कर पाएंगे, उस कसौटी पर खड़ा उतर पाएंगे? क्योंकि आपको क्या लगता है कितने चैलेंजिंग होगा जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट को सिखा पाना पब्लिक हेल्थ की बारीकियाँ? चैलेंजेस होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि डिफाइन नहीं कर पाए। ऑलरेडी जर्नलिज्म में यह है कि जर्नलिस्ट जब रिपोर्टिंग करते हैं टीवी पे, जब आके हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके पास वो सब इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, और तो बस यही डिफरेंस होगा कि वो उसको
एविडेंस बेस्ड कर देंगे एक्चुअल में, उनको एक्सपीरियंस होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी एपिडेमियोलॉजी में, तो उससे आई थिंक इंफॉर्मेशन जो फ्लोट होगी कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और सही इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत सुंदर सर, बहुत कम्युनिटी में जो सही इन्फॉर्मेशन फ्लोट होगी, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन सारी चीज़ों से हम बच सकेंगे अगर हमें जर्नलिज्म की, पब्लिक हेल्थ की बारीकियाँ समझ में आ जाएंगी। मैम, टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की बारीकियाँ हमने समझी, अब आपसे जानना चाहेंगे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनकी अप्रोच क्या है, वो इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? ये बिल्कुल नई पहल है जी, और ये पहला साल है जिसमें कि हमने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इतने बच्चे जुड़ जाएं कि ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स चल सके। तो इसकी डेट भी हमने एक्सटेंड की है, डिप्लोमा इन पब्लिक पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसमें हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाए, किस तरह थियोरीज हैं जो मास कम्युनिकेशन की वो यूज़ करी जाएं फॉर पब्लिक हेल्थ, और किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टूल्स हैं वो सारे टूल्स हम काम में ले सकें। तो ये मेडिकल साइंस का जो कोर्स है वो नहीं है, बट लार्जली पब्लिक हेल्थ, बिकॉज पब्लिक हेल्थ इज एवरी वंस कंसर्न। मैं भी स्वस्थ रहना चाहती हूँ, आप भी रहना चाहते हैं, हेल्थ और वेलबींग, बिल्कुल ये जो वेलबींग का एक नया कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आया है, तो ये वेलबींग जो शब्द है उससे ये निकालें कि हम बीमार हों तभी हम हेल्थ के लिए जाएं या हम अपना प्रिवेंशन कर सकें। बिल्कुल, तो ये जो अगर इतने स्टूडेंट्स जुड़ जाएं कि हम इस कोर्स को चालू कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम जर्नलिज्म के थ्रू जो समाज की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन के थ्रू जो कर रहे हैं, वो इन तीनों चीज़ों के साथ जुड़कर और एक जिसे कहते हैं एक नया आयाम स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के सामने है, हमने सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोला हुआ है और उसमें ट्रेनिंग के लिए भी लोग हैं, पर अब ये स्टूडेंट्स पे है, टीचर्स पे है कि जो उपलब्ध है, थोड़े से अभी हमने चालू किया है तो अल्प साधन है, पर जो भी हैं उनको वो किस तरह यूज़ करते हैं, वो किस तरह इन सब चीज़ों का एडवांटेज लेते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जब कोई चीज़ मुहैया कराई जाएगी तो 20 में से अगर 5 भी उससे बेनिफिट होते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, और उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट से और लोग प्रेरित होंगे और इसके साथ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से ट्रिकल डाउन इफेक्ट समाज पे पड़ेगा और समाज उससे ज़रूर लाभान्वित होगा। यही लाभान्वित कितना हो पाता है समाज, जगदीश जी के पास चलेंगे और आपसे जानेंगे सर कि जब ट्रेन जर्नलिस्ट, दोस्त हुआ ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी, वो समाज को जब केटर करेंगे तो किस तरह का बदलता हुआ समाज, समाज पे उसमें क्या फ़ायदा दिखेगा सर? हाँ, ये उनको जो फ्यूचर की जो मुख्यधारा है या मेन स्ट्रीमिंग बोल सकते हैं जर्नलिज्म को, वो मुख्यधारा से के साथ ही चलना होगा, जिसमें कि अभी उनको समाज के लिए जो सेंसिटिविटी है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉर टाइम जोन्स हो या किसी दंगा क्षेत्र से रिलेटेड रिपोर्टिंग हो, तो उसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन या एम्बेडेड इन्फॉर्मेशन जिसका कि अभी दौर चल रहा है AI के दौर पे, उसके अंदर उनको भेद जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसका आने वाले समाज पे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ सकता है। और सभी लोग इस बारे में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और ये एक ट्विन एज स्वॉर्ड है जैसा कि हम सब समझते हैं। तो जर्नलिस्ट जो आगे आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि एथिकली या स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि समाज को सही रास्ता बताना चाहते हैं, उनको ये तकनीकी तौर पे सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सामाजिक मुख्यधारा को कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन गलती से भी ना दे दें, क्योंकि जो एम्बेडेड इन्फॉर्मेशन है AI के दौर में वो इतनी फाइन प्रिंट में होगी कि उसके लिए बहुत ज़बरदस्त IQ चाहिएगी उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका भेद समझें।
और उसके लिए वो एआई या तकनीकी टूल्स यूज करके ही कर सकते हैं, बिल्कुल, सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे वो चीज नहीं हो पाएगी। हाँ। तो पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी चीजों की जब होगी तो बेहतर तरीके से हम समाज को केटर कर पाएंगे, समाज की आवश्यकताओं को भी समझ पाएंगे और हमारी जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता को भी हम समाज को दे पाएंगे। सर, पब्लिक हेल्थ की बात आती है, कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो आप यहाँ पे इंगित करवाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक लाना चाहेंगे, जब जर्नलिज्म और पब्लिक हेल्थ साथ में चलेंगी? जब सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि पब्लिक हेल्थ और जर्नलिज्म साथ चलेगा, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत जॉब्स क्रिएट होगी। सो हर स्टूडेंट वही देखता है कि नया कुछ रास्ता हो या कोई नई टेक्निक टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे पब्लिक हेल्थ में, ऑलरेडी हो चुकी है तो वो भी हम ऐड करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा जर्नलिज्म और पब्लिक हेल्थ में, जो इंडिया से न्यूज़ जाएगी, हम कंपेयर करते हैं कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, लंडन टाइम्स, वो बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड होगी न्यूज़, और जो दर्शक हैं और कम्युनिटी है वो सही नॉलेज पाएंगे इससे, जर्नलिस्ट से, कि काफ़ी बार ऐसा होता है कोविड के, हम देख रहे थे इतने लोगों की डेथ हो गई है, स्टैटिस्टिक्स ये है, और नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि नहीं ये न्यूज़ गलत थी, तो ये चीज़ें सब सॉल्व हो जाएगी एक्चुअल में, और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी बेसिकली। बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, हमें ज़रूरत है कि हमें समाज को अगर बदलना है तो पब्लिक हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वहीं अगर जनसंचार पे हम आते हैं, पत्रकारिता पर आते हैं, मैम आपसे बात करना चाहेंगे, ये डगर बड़ी मुश्किल है, हमारे पास करने को बहुत कुछ है, पोटेंशियल हम बहुत रखते हैं, लेकिन रास्ता जो है, राह में कांटे बहुत हैं। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय की, तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी विश्वविद्यालय के सामने भी हैं, तो हम चाहेंगे आप उनकी बात करें और किस तरह से आप देखती हैं कि सारी डगर जो है हम इसको पार कर पाएंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो उसका हम एड्रेस ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें एक लैंड पूरी धहमी कला में मिल गई है, और जो फर्स्ट फेज है उसका कंस्ट्रक्शन अब ख़त्म हो चुका है या लगभग ख़त्म हो चुका है, तो एक बिल्डिंग हमारे पास आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवाय जो नियुक्तियां हैं स्थाई, वो करने का भी काम चल रहा है, तो नियर फ्यूचर में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वो ज़रूर होगी उपलब्धता। कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए चलाने के लिए, और स्टूडेंट्स ने इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो वो जो हमने ड्राइव चालू करी है कि और बहुत सारे लोग इस नए क्षेत्र से जुड़े हैं, और जो अकाउंटेबिलिटी है पत्रकारिता में, मास मीडिया में, तो एक ऐसे पत्रकार को तैयार करें जो कि समाज की चुनौतियों को का सामना कर सके और सच सामने ला सके, एक सोच लोगों में बांट सके और बता सके कि आप किसी के ओपिनियन को नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आप एक सोच कर सकते हैं कि ऐसा होने से शायद ऐसा होगा। तो बहुत सारी चुनौतियां इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हैं, रिक्रूटमेंट के रूप में हैं, बुक्स भी चाहिए ऑफ कोर्स, अभी हम तो 4 साल ही पूरे हुए हैं, 5वें साल में हमने प्रवेश किया है, उसमें से 2 साल कोविड में निकल गए, तो 2 साल में हमने करने की कोशिश की है और निरंतर नई चीजें हम जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, यही साथ में आपसे ये भी पूछना चाहेंगे मैम, किन नए आयामों को आप छूने का प्रयास कर रहे हैं हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में? जी मैम, और किस तरह से कौन कौन से आगे हम देखेंगे अचीवमेंट्स जो हरिदेव जोशी हासिल कर पाएगा? मैम, ये अचीवमेंट्स तो समय बताएगा आपको, पर निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि पत्रकारिता तब तक सफल नहीं होगी जब हम हाशिए पर बैठे हुए इंसान की आवाज़ नहीं बनेंगे। दूसरा, जब तक हम जो आसपास के जो रीजनल लोग हैं उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, इसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और हम नए नए MOUs साइन करेंगे, जैसे हमने आपकी संस्था से किया है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके, हमारे टीचर्स जा सकें, नॉलेज का एक्सचेंज हो सके, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले नई चीज़ों के लिए, आदान प्रदान हो, और जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, टीवी है, ये सारी जो चीज़ें हैं
उसमें विद्यार्थियों को नौकरी मिल सके। बिल्कुल। तो हमने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अभी चालू किया है, मेरे ख्याल से अभी एक साल पूरा होने आ जाएगा या 9-10 महीने हुए हैं, तो उसके थ्रू भी हम काम कर रहे हैं। IQAC हमने सेटअप की है, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस है। हम ये कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं और ग्राउंड लेवल पे उसका बहुत सारा इफेक्ट होगा, बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन स्पिरिट हमारी हाई है। उसके साथ जगदीश सर आपसे फाइनल कमेंट्स हम लेना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में सर। हाँ जी, ये सारा उपक्रम इसीलिए है कि यहाँ पे जो हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और जो कॉरपोरेट सेक्टर में या डेवलपमेंट सेक्टर में जो मीडिया के लोगों की जो नीड है उसको यहाँ ये यूनिवर्सिटी पूरा कर सके। बिल्कुल सर। और वो क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे उन चीज़ों। बिल्कुल सर, फाइनल कमेंट्स, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे इंसाइटफुल आपका कमेंट था। और उसके साथ ही अनिल पुरोहित सर के पास जाते हैं हम। पब्लिक हेल्थ डेफिनेटली ये जो डिग्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उससे ये जरूर एक फ़ायदा होगा कि यूनाइटेड नेशंस WHO में जॉब्स बहुत आएगी और इंडिया जो रियल जो ग्राउंड वर्क है और ग्राउंड पे जो होता है वो इन्फॉर्मेशन बाहर तक जाएगी। और इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, इंडिया ऐसी जगह है जहाँ आई थिंक सारी दुनिया है यहाँ पर, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं लेकिन जापान से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यू कैन लर्न एवरीथिंग इन इंडिया। जैसे IV ड्रग अब्यूज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी है, सो आई थिंक ये सब जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म को ऐड करके पब्लिक हेल्थ एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा इंडिया के। बिल्कुल, बहुत वाइड एस्पेक्ट्स हैं, हम कह सकते हैं अपार संभावना है जनसंचार के क्षेत्र में और ये उभरता हुआ क्षेत्र आपको ज़रूर नौकरी दे सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर अपनी किस्मत आजमा के देखिए और ज़िंदगी में कुछ बेहतर अगर आप करना चाहते हैं तो पत्रकारिता एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी पॉजिटिव नोट पर डॉक्टर प्रोफेसर यसूरी राजीव मैम आपका, जगदीश सर आपका, अनिल पुरोहित सर आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और यही कहेंगे आपको कि ज़िंदगी में मुश्किलें करती हैं सबको तंग, जीत जाते हैं वो जो हिम्मत रखते हैं संग। अब इजाज़त दीजिए इरम तस्लीम को, नमस्कार।